खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। स्वास्थ्य जागरूकता मिशन का किया गया कार्यक्रम मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मुख्य बस्ती खटखरिया में हंस फाउंडेशन स्वास्थ्य जागरूकता नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नाटक के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी तमाम घातक बीमारियों से बचने के लिए बताया गया। हंस फाउंडेशन के 6 सदस्य उपस्थित होकर नाटक का आयोजन किया। मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक सुरेश प्रधान जी व ग्राम प्रधानपति ब्रजेश कुमार यादव जी तथा गांव के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। स्टार 7 लाइव से शिवचंद दुबे की रिपोर्ट। आपको फोन करो, हॉस्पिटल लेकर इसे जाना होगा। हेलो हेलो बिट्टू बेटा, देखो तो ये तो क्या हुआ, अचानक से चक्कर आने लगा, जल्दी से संभाल आ जाओ बेटा, जल्दी। अरे क्या हुआ माँ, क्या हुआ, ये मुस्कान के क्या बन भाई, पता नहीं देखा बेटा, अचानक से अपने से बेहोश हो गया। अरे तो चला माई, जल्दी हॉस्पिटल लेके चले जाओ, जल्दी नहीं तो तबीयत और खराब हो जाए माई। अरे बस बस घबराओ मत, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे नमस्ते डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं अचानक कैसे चक्कर खा के गिर गई है डॉक्टर साहब, देख लीजिए। अरे इन्हें तो एनीमिया हो गया है। एनीमिया हो गया, ये क्या होता है? ये ज्यादातर औरतों में पाई जाती है और जब खून की कमी होती है तब ये बीमारी होती है। अरे डॉक्टर साहब, अब हम आपको क्या बताएं, जब ये हमें कुछ बताएगी तब ना हमें कुछ पता रहेगा। डॉक्टर साहब, कुछ बताती नहीं है। आपको कब से हो रहा है? अच्छा देखिए, औरतों में क्या होता है कि खून की कमी से एनीमिया होता है और ये तब होता है जब महावारी आ गई है। कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए, इंफेक्शन होता है, और उपयोग करना चाहिए तो मछली पैड का उपयोग करना चाहिए। तो आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाएगा बिल्कुल कम दामों में, आप वहीं से, ठीक है डॉक्टर साहब? लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? जी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाएंगी। जो मैं दवाई कह रहा हूँ वो आप टाइम टाइम देते रहिए, दवाई बंद ना करिए, हमारे फिर फैल जाएगी, ठीक है? और क्या खाना होना है वो भी बता दीजिए, बिल्कुल हरे साग सब्जी खाना चाहिए, अंडा दूध दही, यहाँ तक कि चावल भी खाना चाहिए, रोटी खाना। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, अरे मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है और मेरे आंखों के सामने सारा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है डॉक्टर साहब। हमारे बिट्टू को क्या हो गया? बिट्टू आप लोग शांत हो जाइए, मुझे भी इसका बीपी चेक करना है। अरे मुझे मेरा मन बहुत घबरा रहा है डॉक्टर साहब, भगवान को। अरे इनका तो बीपी बहुत ही ज्यादा हाई है, बीपी हाई हो गया है, हाँ, शुगर, शुगर भी चेक करना होगा इनका। अरे इनका शुगर भी बहुत ज्यादा हाई है, खड़े चाहिए, ये आज कब से हो रहा है? अरे डॉक्टर साहब क्या करें, थोड़ा बहुत टेंशन ले लेते हैं और इतना काम का प्रेशर है मेरे ऊपर डॉक्टर साहब, इसी वजह से डॉक्टर साहब। यही तो कमी है हम युवा में, क्या काम कम करते हैं और टेंशन ज्यादा लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, समय समय पर खाना चाहिए और मोबाइल कम चलाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि लोग रात को देर देर तक फोन चला रहे हैं, दो दो बजे तक, तीन तीन बजे तक, अब सुबह 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं तो तबीयत खराब नहीं होगा तो क्या होगा? और अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और फोन कम चलाएं। देखिए हमें पता है कि आप लोग को बहुत मीठा, कुछ लोग को मीठा पसंद है, कुछ लोग को नमकीन पसंद है, आप लोग खाइए लेकिन हिसाब से खाइए कि जिससे तबीयत खराब ना हो। और आपके गांव में दिहन फाउंडेशन की तरफ से 15 दिन पे एक कैंप लगता है, अगर आपको लगे तो आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं। जी जी जरूर डॉक्टर साहब, हम जरूर आएंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हम खुश रहिए, ठीक है? खुश रहे, हाँ वो कहे डॉक्टर साहब। अरे ये माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, सुना माँ, तुम अरे बनने वाला हूँ डॉक्टर जी। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, देखिए ये अभी बहुत ही कमजोर है, ठीक है, और इन्हें एनीमिया हो गया और इस वजह से ये घर धारण किए हैं, ठीक है, तो इनका खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखेंगे डॉक्टर, जो जो मैं खाने का बोला हूँ वो टाइम टाइम पे देते रहेगा और भारी सामान बिल्कुल भी नहीं, जितना आराम करना चाहिए।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, नमः पार्वती पते हो हर हर हर। देखिए ये हमारे प्राथमिक विद्यालय मुख्य बस्ती खटखरिया राजगढ़ मिर्जापुर के सामने, ठीक सामने द हंस फाउंडेशन की तरफ से आप स्वास्थ्य नुक्कड़ नाटक के जरिए किए हैं। मैं सुरेश कुमार, पूर्व प्रधान समराबर हो, वर्तमान में प्रभारी प्रधान अध्यापक मुख्य बस्ती प्राथमिक मुख्य बस्ती खटखरिया। तो ऐसे ही आप लोगों से निवेदन है कि बीच बीच में जागरूकता अभियान करते रहें और हमारे गांव के जितने भी अनजान लोग हैं ये कम से कम कुछ तो कुछ सीखते रहें ताकि हमारा देश महान बने और हमारे देश में स्वास्थ्य बना रहे। और माननीय हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं आपकी अध्यक्षता में, ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो आप क्योंकि ये स्टार टीवी के चैनल पर आएगा, मैं स्टार टीवी पर भेज रहा हूँ और उसके बाद में दो टीवी चैनल पर जाएगा भी आपके सामने। और ऐसे ही आप लोग आते रहिएगा। मैं सुरेश कुमार, पूर्व प्रधान समराबर हो, वर्तमान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुख्य बस्ती खटखरिया राजगढ़ में। जोरदार ताली होना चाहिए।